नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और हर बार की तरह हम दोनों एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है हर कोई ये जानना चाहता है कि जो हमारी जो पेंशन है क्या वो हमें ज़्यादा पेंशन मिल सकती है ई के जरिए जो ऐलान किया गया उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है और इसको लेकर एक बड़ा ऐलान भी आया एक बड़ा अपडेट यानी कहें कि ब्रेकिंग भी आई है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और आपको कन्फ्यूजन को दूर भी करेंगे क्या आपको इसके प्रोज़ और कॉन्स के बारे में जानना चाहिए और क्या इस नई स्कीम को चुनना चाहिए तो इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुर जी हैं अंकुर जी मेरे सबसे पहला सवाल आपसे जो ये इस ऐलान है इसकी जो डेडलाइन थी इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट आया है देखिए जो डेडलाइन थी ईपीएफओ की नई पेंशन सिस्टम को चुनने की या या यूं कहें कि हायर पेंशन के विकल्प को चुनने की उसकी डेडलाइन तीन मार्च थी जो अब बढ़ाकर तीन मई कर दी गई है तो यानी अगर आपके पास दो महीने और हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको हायर पेंशन प्लान चुनना है तो उसके लिए दो महीने आपके लिए और बाकी ठीक है।, है सर अभी हमारे व्यूअर को ये समझाइए क्योंकि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ई को लेके और ई को लेकर ये दोनों चीज़ें हैं कि और कितना पेंशन के तौर पे कितना कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉयर करता है इसको, इसके इसके ऊपर भी क्लैरिटी देखिए जो पैसा आपके पी में कटता है वो एक तरह से समझिए कि बारह परसेंट की हिस्सेदारी होती है उसके बाद जो बारह उसके बाद जो आठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत होता है वो एक पेंशन फंड में जाता है प्लस करीब साढ़े तीन प्रतिशत ई में जाता है तो यानी कि टोटल जो आपकी बेसिक सैलरी होती है बेसिक प्लस डी ए उसका चौबीस परसेंट आपका ये एक तरह से पी में जाता है जिसमें से एम, एम्प्लॉयर का बारह परसेंट बारह परसेंट सीधे पी में जाता है लेकिन एम्प्लॉयर का साढ़े आठ परसेंट आपके पेंशन फंड में जाता है अब दिक्कत कहाँ है दिक्कत यहाँ है कि कुछ लोग कह कह रहे थे सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि जो कैपिंग है यानी कि इस पर कैपिंग है पंद्रह हज़ार की पंद्रह हज़ार का साढ़े आठ परसेंट ही कटेगा पंद्रह अगर सैलरी आपकी एक लाख है डेढ़ लाख है बेसिक सैलरी पचास हज़ार है उसका कोई मतलब नहीं अगर आपकी सैलरी पंद्रह हज़ार है बेसिक तो उस पर केवल साढ़े आठ परसेंट आपका पेंशन फंड में जाएगा तो जो साढ़े आठ परसेंट की पेंशन बनेगी वो इतनी कम होगी वो मैक्सिमम साढ़े सात हज़ार रुपये बनेगी अब साढ़े सात हज़ार की जो पेंशन बनेगी उससे भारत में कोई गुजारा नहीं हो सकता तो काफ़ी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ये जो कैपिंग है पंद्रह हज़ार के वेतन की ये हटा दे यानी कि अगर आपकी पचास हज़ार सैलरी है आपकी एक लाख सैलरी है तो उसका साढ़े आठ परसेंट पेंशन फंड में जाए तो अगर किसी की सैलरी एक लाख है सोचिए और उसका साढ़े आठ सवा आठ परसेंट पेंशन फंड में जाएगा तो करीब आठ हज़ार तीन सौ रुपये पेंशन फंड में हर महीने जाएंगे और अगर वो बीस साल तक कटाता है ये आठ हज़ार तीन सौ रुपये तो बीस साल बाद उसको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलेगा जिसमें से उसकी पेंशन बनेगी और पेंशन इस लायक होगी कि उस समय की महंगाई के बाद यानी कि बीस साल पंद्रह साल बाद जो महंगाई होगी उसको मुकाबला कर पाएगी अभी क्या है अभी कैपिंग है कैपिंग है कि पंद्रह हज़ार एक हम फिक्स अमाउंट मान लेंगे कि बेसिक सैलरी पंद्रह हज़ार से ऊपर हम जाएंगे ही नहीं और उसका सवा आठ परसेंट आपका जो है पेंशन फंड में जाएगा और उससे जो पेंशन मैक्सिमम बनेगी वो करीब साढ़े सात हज़ार बनेगी और साढ़े सात हज़ार की पेंशन से भारत जैसे मुल्क में जहाँ महंगाई अगले बीस साल भी बननी बढ़नी है कुछ नहीं होने वाला था तो इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे हाँ यही कन्फ्यूजन था अंकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि साढ़े एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट बहुत ना के बराबर होता है और ये कैपिंग जो थी पंद्रह हज़ार थी कि आपकी सैलरी का बेसिक जो है वो पंद्रह हज़ार ही होगा उसी के ऊपर मिलेगी चाहे आपकी तीस हज़ार सैलरी हो चाहे चालीस हज़ार हो लेकिन अब ये फिलहाल कैपिंग हटाते हुए दिख रहे हैं और जो अब नई डेट जो आप बता रहे हैं तीन मई तीन मई को है अच्छा आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कंफ्यूज जो हमारे व्यूअर्स और बहुत सारे लोग हैं इसको लेकर कि क्या अब इस जो नई ये स्कीम आ रही है हाई पेंशन को लेकर क्या इसके साथ जाना चाहिए बढ़ना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए देखना चाहिए परखना चाहिए, चाहिए चीज़ों को लेकर क्या करना चाहिए देखिए अभी भारत में जो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो पेंशन के दो तरीके हैं एक तो आप एनपीएस ले सकते हैं दूसरा ईपीएफओ है प्लस तीसरा विकल्प है कि आप कुछ ऐसे हाइब्रिड या डेट फंड में निवेश करें जहां से आप पेंशन लें ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड का चुनाव करें तो आ, कुछ पेंशन फंड का चुनाव करें हाइब्रिड फंड का चुनाव करें या कुछ डेट फंड का चुनाव करें कि वहाँ से आप पैसा बाद में ले लें तो तीनों विकल्प में सबसे कमज़ोर जो विकल्प था वो था ई क्योंकि ई में कैपिंग होने की वजह से आप केवल इतना कम कंट्रीब्यूशन कर पाते थे वहाँ से पेंशन लेना दुभर था तो अब आपके पास एक नया विकल्प सामने आया है ये आप अपने रिस्क एपेटाइट के जरिए ये तय कर सकते हैं कि मुझे ई से पेंशन लेनी है या मुझे एन से पेंशन लेनी है या फिर मुझे म्यूचुअल फंड से पेंशन लेनी है तो ये तीन विकल्प का चुनाव आपको ही करना होगा लेकिन एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट अगर ई की पेंशन आप लेते हैं तो इसमें स्थिरता होगी रिटर्न कमाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि जो बाज़ार के उतार चढ़ाव हैं आप उनसे बच जाएंगे। बिल्कुल सर काफ़ी लोग से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि एनपीएस में तो चलिए ठीक है, है कि टैक्स सेविंग भी है ऊपर से मार्केट रिटर्न भी है लेकिन उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा इससे कहें कि आकर्षक दिखता नहीं है ऊपर से 10 साल की नौकरी हो गई और ऊपर से अट्ठावन साल तक आपने नहीं करी तो फिर आपको आप इसका पेंशन स्कीम का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर तो आपको क्या लगता है सर कि अब क्या मतलब जो आपने क्लैरिटी तो दे दी कि फैसला उनको करना है लेकिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में बताएं देखिए इसमें ये तो एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि आपको एक मार्केट लिंक एन में जाना है क्योंकि एन पी को जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक्ड है उसके जो रिटर्न है कहीं ना कहीं मार्केट से फ्लक्चुएट होते हैं दूसरा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं बाज़ार के उतार चढ़ाव की जो वॉलेटिलिटी है मैं झेल नहीं सकता तो इसलिए मुझे ई पी EPF की पेंशन बेहतर रहेगी तीसरा है एक चाहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी पंद्रह से बीस परसेंट का रिटर्न चाहिए मेरे पास बीस साल का समय है और मैं पेंशन को घटा बढ़ा भी सकता हूं अगर मैं अपना जितना मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा और मैं पेंशन को घटा बढ़ा भी सकता हूँ मुझे कोई फिक्स पेंशन नहीं चाहिए मुझे एन्यूटी नहीं चाहिए तो वो विकल्प चुन सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल डिसीज़न होगा तो ये पूरी चर्चा थी लब्बोलबाव था कि आपको इसको क्लैरिटी दे सकें आपको समझा सके कि आपको क्या करना चाहिए हालांकि डिसीज़न अंकुर जी ने बताया कि आपको खुद ही लेना है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ की तो गारंटी है कि आपको पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना आखिर क्या है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिज़नेस से जुड़े हर एक अपडेट को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए समझने के लिए देखने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टूडे बाजार वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें